उसमें विलय कर दिया है। जल शक्ति विभाग में 6 विभाग शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद शक्तिशाली अब हुआ है जल शक्ति विभाग। सीएम ने 6 विभागों का इसमें विलय किया है। जल शक्ति विभाग में 6 विभाग शामिल कर दिए गए हैं। नमामि गंगे सिंचाई यांत्रिक इसमें शामिल किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से जल शक्ति विभाग में अभी हालिया कैबिनेट विस्तार में बड़ा परिवर्तन किया गया और अब इसकी शक्ति में भी इजाफा किया गया है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग का नाम बदलकर अब जल शक्ति विभाग कर दिया गया है और जल शक्ति विभाग को बहुत बड़ा विभाग बनाया गया है। बहुत शक्तिशाली मंत्री होगा इस विभाग का। तो महेंद्र सिंह आज की तारीख में कहा जाए कि डिप्टी सीएम के बाद सबसे ताकतवर मंत्री गिने जाएंगे। उनके विभाग में 6 विभागों का विलय किया गया है, जिसमें लघु सिंचाई विभाग शामिल किया गया है, नमामि गंगे शामिल है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल है, सिंचाई यांत्रिक जो ट्यूबवेल से जुड़ा विभाग है वो भी शामिल है, प्रतिभूम विकास विभाग वो भी शामिल किया गया है, और ग्राम विकास मंत्रालय में जब तक तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का काम था वो वहां से हटा के अब नमामि गंगे के साथ साथ और सिंचाई के साथ साथ जल शक्ति में जोड़ दिया गया है जी। तो ये महेंद्र सिंह को बहुत बड़ा मंत्रालय मुख्यमंत्री ने दिया है और इसकी अधिसूचना अब जारी हो गई है जी। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे किस तरह से अब जल शक्ति विभाग को बेहद शक्तिशाली विभाग बना दिया गया है। 6 विभागों का इसमें विलय कर दिया गया है।